अब अपने पिता धर्मेंद्र के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बड़े सुपुत्र सनी देओल ने भी साल 1983 में अपना पहला कदम रखा और उनकी पहली डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट साबित रही। उनकी पहली फिल्म की बात करें तो उनकी पहली फिल्म बेताब थी और बेताब के जरिए उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रखा कि वो भी किसी से कम नहीं है। तब से लेकर आज तक सनी देओल बॉलीवुड के उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है जिनकी दीवानगी आज भी बरकरार है। 38 साल के शानदार फिल्मी सफर के दौरान सनी देओल ने खूब लोकप्रियता बटोरी है, लेकिन वो पिछले 2 सालों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का दामन थामकर लोकसभा सीट से उन्होंने गुरदासपुर की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, जिस चुनाव में उन्होंने जीत भी हासिल की। तब से लेकर अब तक उनकी राजनीति पारी को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां छाई रही हैं। लेकिन दोस्तों, सनी देओल के चाहने वालों के लिए इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। उनकी अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है और 38 साल के बाद वो एक दमदार फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। उनकी अगर आखिरी फिल्म की तरफ नजर डालें तो 2019 में आई फिल्म ब्लैंक में वो नजर आए थे। इसी बीच सनी देओल के चाहने वालों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। आपको बताना चाहेंगे कि सनी देओल ने डायरेक्टर आर बाल्की की अगली फिल्म चुप के लिए उनसे हाथ मिलाया है। बताना चाहेंगे कि आर बाल्की इन दोनों काफी ज्यादा बिजी हैं क्योंकि वो अपनी अगली फिल्म के प्री प्रोडक्शन में काफी ज्यादा व्यस्त चल रहे हैं, जिसकी कास्टिंग इन दोनों जोरों शोरों से हो रही है। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होने वाली है। दर्शकों के सामने सनी की एक इमेज एक्शन के हीरो में रही है, बाल्की की फिल्म उनकी इमेज बदलने का काम करेगी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ साउथ स्टार तल्किन सलमान और श्रेया धर्मंत्री भी नजर आने वाली है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का बजट भी काफी ज्यादा हाई फाई होने वाला है। सनी देओल की इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ के आसपास होने वाला है। जाहिर सी बात है, सनी देओल की यह दमदार वापसी होने वाली है जिस फिल्म में उनका एक अलग ही किरदार दुनिया के सामने पेश होने वाला है। हालांकि फिल्म का ऐलान सनी देओल ने भी किया और उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें खून की बूंदें टपकती दिख रही हैं। साथ ही बैकग्राउंड में गुरदत्त की ब्लर फोटो दिख रही है। ये फोटो उनकी फिल्म प्यासा की है। बैकग्राउंड में इसी फिल्म का गाना ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है सुनाई दे रहा है। इस फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सनी देओल के भाई भी नजर आए और उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि चुप को देखने के लिए एक्साइटेड हूं, फिल्म की टीम को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि सनी देओल की अगली फिल्म चुप का ऐलान हो गया है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए सनी देओल जल्द ही व्यस्त भी होने वाले हैं। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सनी देओल ने साल 1983 लेकर अब तक काफी ज्यादा लोकप्रियता बटोर ली है और जब जब उनकी बड़े पर्दे पर वापसी होती है तब तब उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हालांकि जब वो पहली बार बेताब फिल्म में दिखाई दिए थे तो बहुत ज्यादा दुबले पतले थे, लेकिन जब सनी देओल ने एक्शन से लबरेज फिल्में करना शुरू कर दी तब से उनकी कद काठी और उनकी बॉडी को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां छा गई और वो अपने दमदार डायलॉगबाजी और बेहतरीन एक्शन के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर हो गए। इसी के साथ ही अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ नजर डालें तो चुप ही ऐसी फिल्म नहीं है जिस फिल्म को लेकर सनी देओल चर्चाओं में हैं। अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म अपने 2 और यमला पगला दीवाना फिर से की शूटिंग भी वो शुरू करने वाले हैं। अपने 2 में करण देओल के साथ धर्मेंद्र और बॉबी देओल भी दिखाई देने वाले हैं। वही दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की भी जानकारी दी गई है, सनी की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का भी सीक्वल बनने वाला है। डायरेक्टर अनिल शर्मा फिलहाल इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके फेवरेट हीरो सनी देओल की एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी होने वाली है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिख भेजें।